आज हम बनाएंगे आलू और पनीर से बहुत ही टेस्टी व्रत का नाश्ता, जो कि बहुत झटपट बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने दो उबले हुए आलू लिया है। इसको हमने दो सीटी लगा के बॉईल कर लिया था और इसका छिलका निकाल लिया है और इसको हमने ठंडा कर लिया है। इसके अलावा हमने 100 ग्राम पनीर लिया है। तो इन दोनों को हमें एक में मिक्स करना है। तो पहले हम आलू को मैश कर लेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर हाथों से ही अच्छे से मैश हो जा रहा है। तो बढ़िया से हम इसका गुठली तोड़ लेंगे और उसके बाद हम पनीर को भी इसी में कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद हम इसमें डालेंगे राजगिरा का आटा। ये आधा कप है, आधा कप से थोड़ा सा एक चम्मच कम होगा डाल देंगे। और इसके जगह पे आप चाहें तो सिंघाड़े का आटा भी डाल सकते हैं या फिर कुटू का आटा डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं, जो व्रत में आप खाते हो। तो डाल के उसके बाद हम 3-4 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटा हुआ, और ये 10-12 काली मिर्च कुटी हुई। आपके पास अगर पाउडर है तो वो डाल सकते हैं, पर कुटा हुआ ज्यादा स्वादिष्ट होता है। उसके बाद हम भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, और ये 2 चम्मच के करीब हरा धनिया बारीक कटा हुआ, व्रत का सेंधा नमक डाल देंगे, और उसके बाद हम आधा नींबू निचोड़ देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर नींबू खाते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। और उसके बाद हम इन सबको एक में मिला देंगे, अच्छे से डो बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा डो बन के तैयार हो गया। अब हम हाथों को साफ करेंगे। देखिए, हमने हाथों को साफ कर लिया है। अब हम हाथों में घी लगा के या फिर मूंगफली का तेल लगा के इसका छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। छोटा, मीडियम या बड़ा, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप बना सकते हैं। आप चाहे तो टिक्की भी बना सकते हैं। और हम ऐसे गोल 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 बॉल बनाएंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसे ही हम सारा बना के तैयार कर लेते हैं। चलते हैं गैस के पास, पैन रखेंगे। पैन में 1 बड़े चम्मच घी डालेंगे। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ये बहुत ही कम तेल घी में बनके तैयार हो जाता है। देखिए, हमने 1 बड़े चम्मच डाला है और इसी में बच जाएगा हमारा और अच्छे से सीख के तैयार हो जाएगा। तो देखिए, बढ़िया से हमारा घी गर्म हो चुका है। देख सकते हैं धुआं निकल रहा है, पर हम अभी फ्लेम को कम कर देंगे और सारा बॉल डाल देंगे। और आप चाहें तो इसको कोफ्ता भी बना सकते हैं। ऐसे ही बॉल बना के डीप फ्राई कर ले और ग्रेवी में डाल दे इसको मसाले भून के, तो आपका कोफ्ता तैयार हो जाएगा व्रत वाला। बहुत टेस्टी लगता है। और इसके साथ मनपसंद पूरी बना ले। और बॉल को डालने के बाद इसको हम पैन का हैंडल ही पकड़ के थोड़ा सा ऐसे चला लेंगे। देखिए, अच्छे से एक ही बार में सारा पलटा गया, इधर से उधर हो गया। तो अब हम चम्मच से ऐसे चला लेंगे और पैन से भी हिलाते रहेंगे, आंच को कम ज्यादा करते हुए अच्छे से मनपसंद कलर आने तक इसको बढ़िया से सेक ले। और इसको बहुत कम टाइम लगता है सीखने में, 8-9 मिनट में सीख के तैयार हो जाता है। देखिए, बहुत अच्छा कलर हमारा आ गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगा, झटपट बन के तैयार हो गया। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहता है। देखिए, तोड़ के दिखाते हैं। वाह, देख के ही मजा आ रहा है। व्रत में जब भी आपका मन करे कि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और जल्दी बन के तैयार हो जाए, तो इसको आप जरूर ट्राई करें। बहुत टेस्टी लगता है। इसको आप जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।